किसान साथियों राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हो। हम इस समय है MD कोल्ड स्टोरेज सेंट्रल जेल चौराहा फर्रुखाबाद। आज 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। किसान साथियों, ये कोल्ड में आलू तो फिलहाल कट रहा है, ग्रेडिंग भी हो रही है और आज मुझे देखने को मिल रही है बिक्री में। आप देख सकते हैं इधर कुछ बानगी निकली हुई है और कुछ आलू भर चुका है, कुछ आलू बिक्री के लिए रह गया है। ये देखिए, ये एक यार्ड इधर निकली थी, आपको दिखाता हूँ क्या आती आलू है। एक मिनट, ये देखिए, इसके अंदर शिकार चेचक की तो फिलहाल नहीं है। इस तरीके से कुछ इसके अंदर गुल्ला लगा हुआ है और एक लाट ये है कि एवरेज क्वालिटी आलू है, कुछ इसके अंदर चेचक वगैरह की भी शिकायत है। और तीन चार पान की इधर है जो कि खुलना बाकी है, देखते हैं किस भाव बिकता है यहाँ पे आलू फिलहाल। किसान भाई देखिए, ये आलू बिक चुका है, 471 रुपये प्रति पैकेट, 101 पैकेट की लाट थी, लेकिन इसके अंदर जो है गुल्ला है कुछ इस तरीके से। ये देखो, आलू साइज का अच्छा है, इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है चेचक वगैरह की। 101 पैकेट की लाटी, 471 रुपये प्रति पैकेट विद कोल्ड भाड़ा। ये देखिए प्यारे किसान साथियों, एक ख्याति आलू की बानगी यहाँ पे निकली थी। कुछ आलू के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से चटखा आलू है। आलू का साइज अच्छा है, कलर अच्छा है, कोई चेचक वेचक की कोई शिकायत नहीं है इस आलू के अंदर। ये देखो किसान साथियों, एक बांध की और खुल रही है, ख्याति आलू है। अच्छे कलर का आलू है, लेकिन कुछ आलू के अंदर धागी भी है, कुछ इस तरीके से आलू में फटे की शिकायत है। ये 75 पैकेट की लाट है मात्र। देखते हैं किस भाव बिकता है ये आलू फिलहाल इस कोल्ड में। भाड़ा जो है इसके साथ जुड़ के ही बिकता है फर्रुखाबाद के कोल्ड में, चाहे कोई भी कोल्ड हो तो भाड़ा सहित ही बिकते हैं भाई। किसान साथियों, मिलते हैं ओम शंकर भैया से, ये यहाँ के हैं कमीशन एजेंट MD कोल्ड स्टोरेज। भैया राम राम भैया, और सब कुशल मंगल? कितने पैकेट तक की सौदा हो गई आज? 400-500 पैकेट, मतलब एक मोटर के आसपास की। किस तरीके से क्या, किस रेट बिके आज आलू, ख्याति आलू जो निकली बानी की? 460 रुपए से 480 रुपए। 460 से 480 रुपए तक। अगर बहुत ज़्यादा सुपर क्वालिटी अगर ख्याति आलू पर्ची आती तो कहाँ तक बिक सकता है? वही है, अच्छी क्वालिटी की बिके आलू आज, 70-80 रुपए की बढ़िया क्वालिटी बिके। अच्छा, क्वालिटी है 2000 रुपए। और अगर निबल क्वालिटी कोई आती है, छिलते छिलाते जैसे आलू हैं, 400-450 चेक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिख है तो 450 के रेंज में। हॉलैंड किस तरीके से बिक रहा है अपने यहाँ कोल्ड में? 600 से 650 रुपये। और कुछ शुगर फ्री निकला नहीं निकला अभी इधर? अच्छा अच्छा, मतलब बिक्री हो जा रही हफ्ते में 3 से 4 दिन। कितने परसेंट निकासी हो चुकी है इस कोल्ड से भैया? 5-6% निकासी फिलहाल। अभी थोड़ा बहुत पर्ची वगैरह आ रही किसान को, आप बुला के
कह रहे हैं कि भाई बेच लिए हैं इस समय या थोड़ा रो किसान बेच रहे हैं अच्छा तो नहीं अभी ना। अच्छा अच्छा और किसान अभी मक्का मूंगफली में भी लगे हुए हैं। मैं मंडी जाता रहता हूँ तो जानकारी लेता हूँ, भाई यही कहते हैं भाई इससे नीचे हो जाए तब बेचे बेचेंगे आलू वाले जी। तो अच्छे आलू आज 481 रुपये तक के भी गए जी। ठीक है धन्यवाद जी। धन्यवाद किसान भाइयों, हम इस समय है बाके बिहारी कोल्ड स्टोरेज भावपुर खुर्द फरखाबाद। इधर मैं आपको दिखाता हूँ कटा हुआ है बानगी न्यू हॉलैंड की। देखो भाई न्यू हॉलैंड भाई, लेकिन इसकी सौदा फिलहाल नहीं हुई है क्योंकि किसान ने देने से मना कर दिया। इसका भाव लगा था 681 रुपये प्रति पैकेट। फिलहाल किसान ने इसको देने से मना कर दिया भाई। 681 रुपये व्यापारी द्वारा लगाया गया इसका रेट, लेकिन किसान ने देने से मना कर दिया। आप देख रहे हैं इधर पूरा बरामदा जो है भरा हुआ है। यहाँ पे बिक्री अच्छी होती है और प्रतिदिन बिक्री फिलहाल रहती है और इधर लेबर वगैरह पूरी लगी हुई है। तो ये बानगी निकली थी लेकिन बिक्री फिलहाल नहीं हो सकी इसकी। किसान साथियों, हम इस समय हैं श्री भगवान कोल्ड स्टोरेज नाला बगार फरुखाबाद। चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करें, देख सकते हैं आप इस तरीके से बरामदा है। कुछ पैकेट इधर लगे हुए हैं, आलू की कटाई इधर फिलहाल नहीं है लेकिन आज बिक्री होगी, कुछ पैकेट निकलेंगे और किस भाव तक बिक्री होती है पूरा अपडेट देखिए, लास्ट तक देखिए भाई। ये देखिए भाई हमारे प्यारे किसान साथियों, ख्याति आलू की ये लाठी करीब करीब 450 पैकेट हैं, दो लोन आटे हैं। कुछ इसके अंदर 4 से 5 किलो हरा है, आपको दिखाता हूँ। आलू फिलहाल जो हैं छिलते छिलाते हैं, कुछ एक आध दाने में चेचक की भी शिकायत है। इधर एक लाठ ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर थोड़ा हरा जो है काफ़ी कम है लेकिन चेचक है। ये करीब 450 पैकेट इधर हमारे साथ किसान हैं जिनका ये आलू था, लेते हैं कुछ इनसे जानकारी। ये शुभ नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। अच्छा किस गांव से हो आप? ग्राम वाहिदपुर। ग्राम वाहिदपुर से। तो आपकी ये दो लाटे कितने पैकेट की थी? ये तो 419 पैकेट। तो किस भाव से ये बिका है आज? 451 रुपये पैकेट। 451 रुपये प्रति पैकेट। और इसके अंदर कुछ पैकेट आपको वापस लेने होंगे हरे के? हाँ, हरे के 8 पैकेट वापस लेने होंगे। अच्छा अच्छा। और बाकी जो सारे जाली कम हो जाएगी वगैरह ये कम हो जाएगा, 20 रुपये जाली के कम हो जाएंगे आपके? हाँ 20 रुपये जाली। हाँ, और उसके बाद आपको भाड़ा जमा करना होगा 400 जितने भी आपके पैकेट हैं। किस तरीके से भाड़ा यहाँ पे जमा होता है, मतलब एक पैकेट का कितना लग रहा है यहाँ पे ख्याति वगैरह का? आप वो तो कोल्ड का मानक होगा, वही होगा भाड़ा। अच्छा अच्छा, जानकारी फिलहाल नहीं है आपको कितने रुपये पैकेट लगेगा भाड़ा? वही होगा। तो अभी आपका अभी आलू कोल्ड में और है या अभी? अभी और है। अभी और है। अच्छा अच्छा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बेच रहा है वो बराबर। शुगर फ्री कुछ डाला था इस बार आलू? नहीं शुगर फ्री नहीं है। शुगर फ्री नहीं है, सिर्फ ख्याति डाला था। अच्छा, तो किसान साथियों इन्होंने दिया अपडेट, ये किसान है इनके सामने ही सौदा हुई 451 रुपये प्रति पैकेट विद कोल्ड भाड़ा 53 किलो की तौल के साथ में। ये देखिए हमारे प्यारे किसान साथियों, ख्याति आलू के एक ये लाट निकली थी, 60 पैकेट की मात्र लाट थी। इसके अंदर इस तरीके से आलू जो है कुछ चटका हुआ है। और फिलहाल चेचक वगैरह तो नहीं है सालों के अंदर। देखो भाई
ये 461 रुपये व्यापारी द्वारा मांगा गया, लेकिन जो है किसान ने भाई देने से मना कर दिया। अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें और घंटी का बटन अवश्य दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।